यस डीटीए भागलपुर, मनाली चौक भागलपुर। आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्त, भाषा अर्जन और अधिगम हिंदी की प्रथम कक्षा में देखा जाए अर्जन एक्विजिशन। क्या होता है अर्जन? जो हम स्वाभाविक रूप में सीखते हैं। अर्जन अधिगम, अधिगम मतलब सीखना। जीवन पर्यंत मनुष्य सीखते रहता है कुछ ना कुछ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अर्जन साहब सहज होती है, स्वाभाविक होती है। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल, नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब भी नेचुरल ही होता है, जो कि जिसमें ज्यादा सक्रिय रहने की, एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे घर का माहौल, जैसे परिवार का माहौल, अड़ोस पड़ोस खेलते धूपते हुए, खाते पीते हुए घर में हमने कुछ भाषा को समवयस्कों के माध्यम से अनुकरण करके सीख लिया। बोले तो अधिगम में विद्यालय का माहौल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां पर सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है, एक्टिव प्रोसेस, जहां सक्रिय। तो सक्रिय रहेगा साहब तो चेतन में रहेगा, कंसियस, चेतन या सचेतन, चेतन या सचेतन। आपकी ऑनलाइन में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो कंसियस होता है और यह साहब अचेतन, अचेतन जो कि चेतना में ना हो। किसी भाषा को, जैसे मातृभाषा को सीखने के लिए पूरी तरह प्रयास नहीं करते हैं घर के माहौल में। देखिए ना, एक साल दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा क्या प्रयास करता है सीखने के लिए अपनी मातृभाषा को? लेकिन द्वितीय भाषा को विद्यालय कॉलेज में हम लोग, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, एक्टिव प्रोसेस होगा लर्निंग। बोले तो चेतन या सचेतन। अच्छा, अचेतन और अवचेतन, अवचेतन की भी बात करेंगे। अवचेतन जो अर्धचेतन होता है, अर्धचेतन होता है, बोले तो सबकंसियस और अनकंसियस। प्रक्रिया क्या होगी? अर्जन, अर्जन एक्विजिशन। अर्जन साहब आपका चक्राकार, मैंने कहीं से भी कुछ भी सीख लेंगे। चक्राकार, स्पाइरल, सर्कुलर, वर्तुलाकार, वृत्ताकार। घर में आप देखिए ना, कहीं कुछ भी सीख लेते हैं, कोई यदि गाली गलौज भी दे रहा है तो वो भी सीख जाते हैं अकस्मात, सहज रूप में। लेकिन विद्यालय में अधिगम के रूप में हमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, व्याकरण नियमों को सीखना पड़ता है। अर्थात लर्निंग औपचारिक प्रक्रिया होगी, औपचारिक, फॉर्मल। औपचारिक मतलब फॉर्मल, और जो अर्जन होगा अनौपचारिक, सहज ढंग से सीख लेंगे, अनौपचारिक, इनफॉर्मल ढंग से, बिना नियम कायदे कानून के। आप घर में अपनी दृष्टि ले जाए, परिवार में आपको अर्जन समझ में आ जाएगी। और विद्यालय का माहौल देखिए, नियम कायदे कानून वाला माहौल, अधिगम समझ में आ जाएगी आपको बातें। तो आपने देखा था अर्जन चक्राकार होता है, कहीं से कुछ भी सीखा जाता है। चाय के दुकान पे बैठे हुए हैं, लल्टुसिया के दुकान पे, पंसारी के दुकान पे बैठे हुए हैं, नेताजी के तरह तरह के भाषण के प्रवचन सुन सकते हैं हम लोग। तो अर्जन जो होता है वो चक्राकार होता है और अधिगम रैखिक। और रैखिक का मतलब होता है क्रम से। जैसे विद्यालय में आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यदि पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, क्रम से पढ़ा जाता है साहब, क्रम से। अर्थात क्रमिक, रैखिक होता है।
क्या अधिगम अधिगम रैखिक होगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं और फिर उसके बाद टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। पहला प्रश्न है भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया। कहा जा रहा है आपसे अचेतन, बताइए अचेतन में क्या हो जाएगा? अर्जन। बहुत बढ़िया बात, अर्जन हो जाएगा। हमारा उत्तर अर्जन, एक नंबर। अब देखिए जैसे अचेतन आ गया, अनकंसियस मैंने सहज रूप में स्वाभाविक रूप में बालक सीखता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम भाषा यानी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो उसके इर्द गिर्द परिवेश में स्थानीय परिवेश में बोली जाती है? बताइए अर्जन में महत्वपूर्ण कारक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्या शिक्षक? शिक्षक विद्यालय कहाँ? अधिगम में ले जाइए, लर्निंग में। और अवसर पहचान तथा प्रोत्साहन अवसरों की प्रकृति, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, माहौल ज्यादा मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है कहाँ? अर्जन में, एक्यूजिशन में। मानते हैं ना घर में यदि माता पिता की भाषा काफी सुशोभित है तो बच्चे भी वैसा ही भाषा का मातृभाषा का विकास होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे खेलने कूदने के। क्रिकेट खेल रहा है कोई बच्चा तो वहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई शब्दावली यूं ही सहज रूप में स्वाभाविक रूप में सीख जाएगा। तो सहज रूप में अवसरों की अपॉर्चुनिटी की ज्यादा से ज्यादा प्रकृति दीजिए, बच्चों में प्रथम भाषा मातृभाषा डेवलप हो जाएगी। कैसे? अर्जन के तौर पर। ज्ञान की अवचेतन, देखिए फिर आ गया अवचेतन। हमने बताया अभी तुरंत, क्या अवचेतन आ गया आपका? तो अवचेतन मतलब आधा चेतन में, अर्ध चेतन में, सब कंसियस। तो जब अचेतन रहे या अवचेतन रहे तो अर्जन हो जाएगा, एक्विजिशन। शिक्षार्थी बोले तो विद्यार्थी, छात्र पुपिल स्टूडेंट भाषा अर्जित करते हैं, अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण। साहब विश्लेषण वगैरह तो नियम कायदे कानून वाली बातें, अधिगम में जाएगा ना। भाषा के साहित्य पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हुई नियमबद्ध व्यवस्था अधिगम, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति समाज से सीखता है। बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख कर, देखिए सीख कर यानी अधिगम, यहां भी नियम लगा करके सीख कर, अंतःक्रिया। जैसे माता पिता यदि घर में जो भी बोल रहे हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया, मम्मा मम्मा मुझे टॉय दो, मम्मा ने फिर बोला क्या बेटा पिटवे करूंगी, कल तो तुमको नया टॉय दिए थे, तो उसने सहज रूप में सीख लिया पिटवे करूंगी, कल तो मैंने टॉय दिया था। स्किनर के अनुसार अनुकरण करके, बीएफ स्किनर के अनुसार अनुकरण करके, जो कि वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक 1957 में लिखी और इसी का संशोधित रूप 1959 में नॉम चॉम्स्की महोदय लिखते हैं वर्बल बिहेवियर को, और एलएडी की संप्रत्य देते हैं। चलिए आपका अंतःक्रियात्मक वातावरण, अर्जन अर्जित, अर्जन मतलब अंतःक्रियात्मक, एक दूसरे से परिवार में हम जुड़ते हैं वैसा माहौल प्राप्त होता है। और मातृभाषा यानी अर्जन प्राकृतिक दिया है ना दोस्त, नेचुरल सहज स्वाभाविक। जीवन के आरंभिक दौर में यानी कि शुरुआती दौर में, 1 साल 2 साल 3 साल का है बच्चा, मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत परिवार सबसे बेहतरीन होगा हमारा। अच्छा इसमें घर रहता, परिवार रहता, मित्र मंडली हो सकती है, पुस्तक विद्यालय संचार का साधन मैंने मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल्स टीएलएम मटेरियल, ये सभी क्या होंगे? अधिगम लर्निंग में जाएंगे। आरंभिक दौर में परिवार,
जी वाह, एक नंबर। भाषा सिखाने से तात्पर्य सिखाना, साहब अधिगम, लर्निंग, सीखना या सिखाना। भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। आप बच्चे को भाषा क्या कर रहे हो साहब? सिखा रहे हो। एक शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? भाषा को सिखा रहे हैं तो वह जीवन में कर सके भाषा का उचित रूप में प्रयोग, दैनिक जीवन में, संदर्भगत परिवेश में, प्रासंगिक वातावरण में, बेहतरीन रूप में कर सके उपयोग, प्रयोग। यही तो होता है एक भाषा सीखने सिखाने का मुख्य लक्ष्य। मानते हैं ना, आपने भाषा सीख लिया, ठीक, अब बाहर बोल ही नहीं पा रहे हैं, स्टेशन पे टिकट कटाने गए, एरोप्लेन, हवाई अड्डा आदि, जाकर के बस पकड़ना है, रिक्शा वाले से, ए भाई जी कितना पैसा लीजिएगा, समसम कॉलेज के जाने का। तो आपने भाषा का उचित समुचित प्रयोग करना यदि सीख लिया तो आप कहेंगे भाषा सीख ली और शिक्षक ने सिखा दिया बेहतरीन। ये तो है तात्पर्य, मतलब। क्या मानते हैं सी या और कोई विकल्प? तो मैं समझाऊं तो बताइए। बढ़िया, आगे कहता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग अधिगम में मेन डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है साहब? अब देखिए, समझते हैं आप। देखिए, अधिगम मतलब नियम कायदे कानून से चलना। हाँ, नियम से चलना, सक्रिय रूप में सीखना, जहां पर पर्यावरण, वातावरण, माहौल समृद्ध होता है, एनरिचफुल, समृद्ध भाषिक परिवेश। लेकिन घर का वातावरण अर्थात अर्जन ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन कहा गया है मातृभाषा को बेहतर डेवलप करवाना है तो घर के वातावरण को गुणवत्तापूर्ण बनाइए। तो अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासकों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का। अच्छा, ये पाठ्य पुस्तक का अभ्यास आप सक्रिय रूप में अभी जैसे करेंगे ना, ये अधिगम होगा कि अर्जन होगा? अधिगम होगा। पाठ्य पुस्तक, वैसे भी तो पाठ्य पुस्तक नियम से चलती हैं, लिपिबद्ध संरचना लिखी रहती है लिपियों में। कहता है भाषा के नियमों को स्मरण करना। आप कक्षा में, विद्यालय में रटते भी हैं लेकिन घर में मातृभाषा को रटता है क्या? नहीं, नहीं। तो अधिगम जाएगा ये। भाषा लेखन, अब लिखने के लिए क्या? लिपिबद्ध श्रृंखला, एक नियम से लिखा जाता है तो अधिगम हो गया। अब देखिए अर्जन में क्या होता है, स्वाभाविकता होता है, नेचुरलिटी। बोलिए, स्वाभाविकता, नैसर्गिकता, मातृभाषिक परिवेश, प्राकृतिक माहौल, नेचुरलिटी, अर्जन हो जाएगा, अर्जन। अभी देखिए, पेट में यदि दर्द भी है, पैर भी दर्द है तो आप लेट के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर के माहौल में स्वाभाविक रूप में आप सीखते हैं किसी भी चीज को स्वाभाविकता के साथ। तो मुख्य अंतर क्या हो जाएगा आपका? स्वाभाविकता। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न मित्रों बताइए। अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर, लीजिए फिर टकराइए। वहां पर क्या किया गया था उस प्रश्न में? आपको तीन विकल्प दे दिया गया था, अधिगम से और एक अर्जन, तो अंतर हो गया उसके कारण से और उत्तर हमारा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है, आप समझिए। आधार कहता है नहीं है, आधार कहता है नहीं है। नंबर, बिल्कुल साहब, कुशलता। आप मातृभाषा पे यदि स्किलफुलनेस लाना चाहते हैं, भाषा पर दक्षता लाना चाहते हैं, तो व्याकरण सीखना पड़ेगा।
और व्याकरण सीखना या नियम कायदे कानून सीखना किसमें जाता है? अधिगम। भाषा के कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इन पर यदि कुशलता चाहते हैं तो कहां जाना पड़ेगा? यानी विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। अब अर्जन देखिए आप, अर्जन में क्या मिलेगा आपको? सहज रूप में, अभी हमने बोला था ना पहले क्वेश्चन में, सहजता मतलब यूं ही स्वाभाविक रूप में सीख लेना, नेचुरल ढंग में सीख लेना, जहां समाज और तो प्रथम दृष्टिया जो विचार आता है उसी को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। बोलिएगा, समस्या समाधान के लिए कोई ना कोई विचार तूफान की तरह हमारे मस्तिष्क में प्रथम दृष्टिया आती है और हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। यानी मस्तिष्क में, मानस में एक प्रकार का मंथन मस्तिष्क उद्वेलन कहलाता है। मस्तिष्क उद्वेलन, उद्वेलन, उद्वेलन हिलाना झुलाना, तो मस्तिष्क उद्वेलन आपने प्रश्नों में देखा होगा, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो इंग्लिश में समझ लें एकमात्र स्टॉर्मिंग। चलिए, तो गतिविधि एक्टिविटी मांस मंथन गतिविधि डैश सहायता करती है रचनात्मक विचारों के सृजन में, मस्तिष्क पर बल देने में, प्रश्न पूछने में, प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करने में। फीडबैक वगैरह तो बाद की बातें होंगी ना। अच्छा, रचनात्मक विचारों के सृजन में, मस्तिष्क पर बल देने में और प्रश्न पूछने में। अब बताइए, यह मानसिक मंथन आपका समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समस्याओं से जुड़ा हुआ है। और आप जो भी प्रथम, बिल्कुल एक नंबर, आपका जो प्रथम दृष्टिया विचार आता है उसके सृजन क्रिएटिव स्वरूप को क्या कहेंगे? क्रिएटिव, रचनात्मक, संरचनात्मक, तो उसी को हम, वैसी गतिविधि डेस्क में सहायता करती है। तो रचनात्मक विचारों के सृजन में यानी निर्माण में, मानते हैं एक नंबर होगा रचनात्मकता। चलिए आगे बढ़े, कहता है LAC लैंग्वेज। अच्छा, LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्त? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक। पाठ्यचर्या के बाहर जाके यानी कि बाह्य परिवेश में जाकर विविध, उदाहरण देते हैं शिक्षक विविध रूप। चलिए देखिएगा, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है और उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है, बिल्कुल आपका नॉम चॉम्स्की तरह, जो कि भाषाई मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, अब देखिए समर्थन, ये जो है आपका ज्ञानात्मकवादी, संज्ञानात्मकवादी क्या कहते हैं, जैसे जीन प्याजे वगैरह, बच्चे भौतिक संसार से जुड़ करके समझ विकसित करते हैं। व्यवहारवादी बच्चों को खाली बर्तन बताते हैं। सहजतावादी सिद्धांत, ये सिद्धांत होगा, क्या होगा? सहजतावादी सिद्धांत, यानी सहज रूप में संस्कृति से, समाज से, 2-3 साल में बच्चे संस्कृति से, समाज से जुड़ के सहज रूप में सीख लेते हैं भाषा को। उसी प्रकार का प्रश्न देखिए, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं, आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा सिद्धांत? तो कौन सा धारणा सक्रिय है? ये सहज ज्ञानवादी यानी सहजतावादी सिद्धांत, सहज रूप में सीख लेना, स्वाभाविक रूप में समाज से, संस्कृति से जुड़ते हुए सीख लेना। तो आपका उत्तर दोस्त सहजतावादी सिद्धांत तो होगा, बिल्कुल नॉम चॉम्स्की की तरह स्टेटमेंट है ना। जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है भाषा के सीखने की, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। तो बच्चे सहज रूप में मतलब स्वाभाविक रूप में संस्कृति से, समाज से भाषा को, मातृभाषा को जन्मजात रूप में सीख लेते हैं और आगे के पैटर्न को भी खोजने में यही मदद करता है। पुनः आगे देखें, आपका विश्वास है मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं, अर्थात
सहजतावादी सिद्धांत, सहज ज्ञानवाद सिद्धांत। समझे? बढ़े आगे। ऐसे प्रश्न को उठाया जो आपको दुविधा देता होगा। आइए, सहज जातता, सहजातता यानी कि सहजता, सहजता स्वाभाविकता, भाषा अर्जन के संदर्भ में तात्पर्य मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, कहता है स्वाभाविक योग्यता। शिक्षार्थी की अनेक भाषा सीखने की योग्यता, अनेक भाषा साहब मातृभाषा में अर्जन, और अनेक भाषा आप विद्यालय के परिवेश में अधिगम भी करते हैं ना, विद्यालय में शिक्षा, विद्यालय अधिगम, मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता, मनुष्य की, मनुष्य ये मातृभाषा, ये मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता। देखिए ये चीज कुछ ऐसे होना चाहिए कि मातृभाषा में चिंतन करने की योग्यता, दूसरी भाषा के बारे में जो चिंतन करते, इस बारे में टाइम लगा 29 मिनट लगा। यह अवधारणा की बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। जी 14 नंबर बताइए, 14 नंबर का एक होना चाहिए अर्जन, स्वाभाविकता, सहजता। जी एक नंबर आपका 15 नंबर बच्चे दुनिया के बारे में, जिन प्याजे कहते भी हैं दुनिया के बारे में ज्ञान का सृजन करते हैं, समझ का सृजन करते हैं। बताइए पूरा सत्य है कि असत्य है कि आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, निराधार मतलब कोई आधार नहीं है। बताइए इधर से पूर्णतः सत्य है। किसी भाषा में जो भी सुनते हैं बच्चे, ठीक है, उनकी शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी का भंडार को भी प्रभावित कर सकता है, किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। बच्चे दुनिया में जो भी सीखते हैं, दुनिया में सामाजिक संपर्क से सीखते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधि की अपेक्षा अंतःक्रिया गतिविधि के माध्यम से अधिक सीखते हैं। कहते हैं निष्क्रिय बच्चा सक्रिय होगा, सक्रिय सहभागी, एक्टिव पार्टिसिपेंट, तभी तो बेहतर सीखेगा। तो कहता है अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, बोलते हहैं और सुनते हैं। हाँ कहता है निष्क्रिय नहीं, तो निष्क्रिय की अपेक्षा मतलब सक्रिय, सक्रिय। और सी नंबर को बताइए, बढ़ाइए। सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में, सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। अब देखिए डी नंबर क्या है ना, बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल संदर्भ में। आप देखें बच्चे किसी भी भाषा में जो कुछ भी सुनते हैं वह उसकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अब बताइए फिर से एक बार बैक टू बैक। क्या मारे डी? चलिए बड़ी खुशी की बात है, डी नंबर मार दिए हैं। सी नंबर, निष्क्रिय गतिविधि की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधि के माध्यम से अधिक सीखते हैं। सी भी आपका बढ़िया है, आपका डी भी बेहतरीन है, दोनों एक ही होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। इसमें एक चीज का मतलब क्या ऐसा थोड़ा होता है जो सुने उसी से अधिक सीखते, देख के नहीं। प्रश्न क्या है? सुनते दिए हैं आप, बिल्कुल आप सही दिए हुए हैं मोहतरमा, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वही वो ज्यादा सीखेंगे। बिल्कुल समाज में परिवेश में सुन करके बेहतरीन भाषा डेवलप होती है। सबसे पहले माँ के वुंब से जब धरती पर संसार में बच्चा आता है तो भाषा का शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी, रोटी, मोबाइल, पंखा सुन करके, और प्रश्न में सुनना है नहीं तो आपका यह भी उत्तर है, यह भी उत्तर है। प्रश्न के अनुसार किस सिद्धांत पर आधारित? बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चले तो बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं? जो जो हम ज्यादा देखते हैं या सुनते हैं, जो ज्यादा सुनते हैं है ना, जो ज्यादा सुनते हैं, जो ज्यादा देखते हैं, जिसके संपर्क में ज्यादा रहते हैं। सुनना प्रश्न में और उसी हिसाब से सबसे अधिक सुनना दे दीजिए यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अच्छा बी नंबर में अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं, अपना अपना जो है इंटरेस्ट होता है, अपनी रुचियां होती हैं,
लेकिन प्रश्न के अनुसार शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है, मतलब बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं, और शुरुआती दौर में सुन सुन के बेटा बोलो पापा पापा, मम्मा ये क्या है, बेटा मोबाइल है, मम्मा वो क्या है, टीवी है, तो माता पिता से शुरुआती दिनों में बच्चे सुनते हैं और उनका शब्द का वोकैबुलरी का भंडार बढ़ता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट, मतलब बच्चा जो गलत अगर सुन लिया तो गलत ही बोलेगा, यदि गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी शब्द भंडार भी गलत हो जाएंगी, नकारात्मक रूप में भी प्रभाव पड़ेगा ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। चलिए निम्नलिखित में कौन सा क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, स्टेफन क्रेसन जिन्होंने कहा अर्जन अधिगम। अब समझिए पहले स्टेफन क्रेसन को छोड़, अर्जन में हम मातृभाषा को लेते हैं फर्स्ट प्राथमिक भाषा को, और सेकेंड भाषा थर्ड भाषा आदि को किसमें, अधिगम लर्निंग में से संबंधित होता है, प्रथम मातृभाषा को सीखा हमने, फिर अंग्रेजी वगैरह सीख रहे हैं तो मातृभाषा के अनुसार ही मध्यस्थ रूप में बात करके हम सेकेंड भाषा या थर्ड भाषा को सीखते हैं, यानी कि अधिगम। ठीक, कहा स्टेफन क्रेसन महोदय ने कि आप जिस प्रकार से अर्जन में प्रथम भाषा सीखते हैं तो द्वितीय भाषा को भी यदि माहौल वातावरण समृद्धशाली दिया जाए, वातावरण माहौल यदि समृद्धशाली दिया जाए तो अंग्रेजी संस्कृत मिल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आधुनिक भारतीय भाषा को भी बच्चा अर्जन कर लेगा, माहौल के कारण वातावरण के कारण नेचुरल ढंग से। नहीं समझे, पहली भाषा मातृभाषा सीखते हैं, कैसे कोई सिखाता है क्या, ओ भाई ये सारी चीजें सुनकर के हम परिवार में, तो वैसे ही द्वितीय भाषा अंग्रेजी वगैरह आपने व्याकरण वगैरह देखा होगा, आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं स्टेफन क्रेसन आप यदि वातावरण दें माहौल दें समृद्धशाली गुणवत्तापूर्ण तो अर्जन में ही जो है वो द्वितीय भाषा को भी कवर कर लेगा और बच्चे को I+1 बोधगम्य निवेश देना चाहिए, यानी कि एक स्तर आगे। I का मतलब इनपुट हाइपोथेसिस, निवेश परिकल्पना, निवेश वाला हाइपोथेसिस, एक चीज सिखाइए उसके बाद दूसरा, उससे कुछ स्तर ऊपर, कुछ स्तर ऊपर, कुछ स्तर ऊपर, कुछ स्तर ऊपर, पांच परिकल्पनाओं का वर्णन किया है जो कि हम नोट्स के माध्यम से चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन देखें, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है क्या भाषा के अंश अनुमान लगाने के योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं, अध्यापक को प्राकृतिक ध्वनियों संगत मौखिक भाषाओं को उपयोग करना, प्राकृतिक ध्वनि नेचुरल ढंग से संगत एक दूसरे से जुड़ा हुआ मौखिक भाषा, पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए, पठन सामग्री अर्थात जो भी पठन सामग्री होनी चाहिए वो प्रमाणिक होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, जैसे TLM मटेरियल्स के रूप में, शिक्षक के शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए, अधिगम का शैली को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं समझे, नेचुरल ढंग से प्राकृतिक रूप में, बात बस इतनी सी है। अब विकल्प में देखिए आपको ऐसा प्राकृतिक वाला कौन विकल्प में बोला जा रहा है, जी क्या होना चाहिए उत्तर, प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा को उपयोग, बी नंबर, ऐसा क्या हाइपोथेसिस का मतलब तो कल्पना, हाइपोथेसिस मैंने परिकल्पना, उपकल्पना, कल्पना, स्टेफन क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है कौन भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं, क्या होगा, बी मारा है, साहब हमने आपको बताया नेचुरल को देखिए ना आप, नेचुरल ढंग से
बाह्य परिवेश से जोड़ते हुए। संगत का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, को रिलेटेड। तो जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको बाह्य जिंदगी से संगत कीजिए। प्राकृतिक रूप में। अब समझ गए? अब बताइए उत्तर क्या होगा? बी। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा को उपयोग करना चाहिए। संगत जो उससे जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है, कोरिलेटेड है। जैसे कोई भी नॉलेज या क्रियाकलाप बता रहे हैं तो बच्चे की जिंदगी से जोड़ करके जो प्री एक्सपीरियंस है, पूर्व अभ्यास है, पूर्वानुभव है, उससे जोड़ते हुए सिखाइए तो बच्चा नेचुरली इस ऑर्डर, ऑर्डर माने क्रम को अर्जित कर लेगा, अर्जन कर लेगा, सीख लेगा। समझ गए अभी? नंबर एक नंबर। अच्छा ऐसा क्या? सो क्या है एक नंबर क्यों भला? पहला विकल्प है भाषण के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अंश अनुमान खंड खंड करके क्रम में, ऑर्डर में, ठीक। भाषण यानी जो भी बोला जा रहा है, स्पीच वगैरह जो भी बातें बोली जा रही है। बी नंबर, अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि नेचुरल संगत मौखिक भाषा को उपयोग करना चाहिए। संगत मौखिक भाषा को उपयोग करना चाहिए। दूसरे विकल्प में मौखिक पर जोड़ दिया जा रहा है, तो एक नंबर और बी नंबर में कंफ्यूजन लग रहा है ना? बहुत जगह आपका ए भी लिया जाता है और बी भी लिया जाता है, दोनों एक ऑर्डर से चलती है। इसमें क्रम तो है ही नहीं। जैसे पांच परिकल्पनाएं हैं, पांच ऑर्डर हैं, हाइपोथेसिस हैं, तो एक क्रम से चलती हैं, एक क्रम में सीखी जाती हैं, एक क्रम में चलता है। और जो भी बोला जाता है उसे अंश अंश करके, आपका एक नंबर ही सही होगा, एक नंबर विकल्प सही होगा, एक नंबर विकल्प, ना कि भी। जो भी बोला जाता है, जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं आप, क्रम में अर्जित करवाए जाए। अर्जित जैसा कि हमने बताया, अर्जन के ही माध्यम से बताया जा सकता है, तो आपका एक नंबर। अब ठीक है, बढ़े आगे। स्कूल आने से पढ़िए मैडम जी। स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। जानकार होता है स्कूल आने से पहले, मतलब कि घर परिवार है वो सबसे ज्यादा क्या लिखता है, क्या सबसे ज्यादा सुनने और बोलने का जानकार होता है, सही। अगला आपका प्रश्न है, बच्चा प्रथम, द्वितीय और तीसरी भाषा को जल्दी सीखता है, कैसे? कहता है अनौपचारिक, ज्यादा कोई नियम कायदे कानून नहीं, ज्यादा सक्रिय नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक रूप में, सामाजिक परिवेश में, बिल्कुल ये तो जान के रहे। भाषा सीखने का प्रभावशाली उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तकें, अखबार, बातचीत करके। दोस्त मुहिम से बातचीत करता है, चाहे खेल का मैदान हो, विद्यालय का मकान हो, विद्यालय का मकान या छंगूड़ी का आइसक्रीम का दुकान हो, वार्तालाप करता है, उसकी बातों को भी सुनता है। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में, नया भाषा सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है, सहायता देता है, सही बात है। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा, शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं। कहां हम लोग भी फंसे, आगे बढ़ते। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी, पढ़िए मैडम जी क्या बोल रहे हैं। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी, अपनी शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, मातृभाषा और मैं अंग्रेजी सीखती है, मातृभाषा में अंग्रेजी सीखती है, मातृभाषा में अंग्रेजी सीखती, मातृभाषा और क्या है, एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी सीखती है, मातृभाषा में अंग्रेजी सीखती है,
मातृभाषा अंग्रेजी, मातृभाषा में अंग्रेजी सीखती है, हिंदी जानती है। अच्छा आगे देख लेते हैं, हिंदी जानती है जो उसके घर और आस पास में बोली जाती है। वो विद्यालय कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, कौन सा अर्जन में आएगा, कौन सा अधिगम में आएगा। मतलब बात इतनी सी है, अर्जन में अर्जन में उसकी मातृभाषा आएगी, और अंग्रेजी यदि सीख रही है तो वो अधिगम में आएगी। पहला है मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिंदी जानती है बच्ची, हिंदी जानती है तो मातृभाषा और हिंदी अर्जन के अंतर्गत आएगी, मातृभाषा और हिंदी अर्जन के अंतर्गत आएगी, सही है। अंग्रेजी भाषा अधिगम, अधिगम कर रही है वो, ठीक। हिंदी भाषा अधिगम नहीं, हिंदी भाषा अधिगम नहीं, तीनों भाषाएं भाषा अर्जन कैसे हला। तो देखिए एक और, तो ऐसे क्वेश्चन को समझिए, कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, मिसप्रिंटिंग हो गई है। मातृभाषा जानती है, हिंदी भाषा जानती है, मातृभाषा में वो अंग्रेजी सीख रही है, मतलब मातृभाषा का मदद लेके आप भी अंग्रेजी सीखते हैं, तो अंग्रेजी को सीख रहे हैं हम, तो अंग्रेजी लर्निंग कर रहे हैं अधिगम, और अर्जन मातृभाषा यानी कि अर्जन, और अधिगम में अंग्रेजी जाएगा। तो एक और दो, विकल्प संख्या एक नंबर आपका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सुमिछांग जो है, सुमिछांग कोहिमा से, सुमिछांग जो है ना कोहिमा से कहा, मैसूर, मैसूर आपका साहब कर्नाटक में है, कन्नड़ भाषा होगी। कोहिमा, कोहिमा आपका वही इम्फाल असम के बगल में जो है, सेवन सिस्टर्स राज्यों में। तो कहता है उसने इस स्थानांतरण, जैसे पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है बिहार से बंगाल में हो गया, तो उसी प्रकार की बातें, उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली। हाँ, स्थान से जुड़ी हुई भाषा ना, आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे, भाषा अधिगम, अधिगम या अर्जन या अंतरण, इंटरफेरेंस या भाषा हस्तक्षेप, मध्यस्थता, आप इसको किस रूप में करेंगे बताइए, अर्जन होगा कि अधिगम होगा या क्या होगा। अर्जन होगा, बी नंबर मारे क्या, खुशी के बाद वहां के स्थान से सीखा ना, आखिर वो कोहिमा से मैसूर आ गई, मैसूर कर्नाटक में है और वहां की मातृभाषा कन्नड़, वहां के क्षेत्र में जो बोली जाती है, तो इस स्थान की भाषा वहां वह गई। जैसे आप ही बंगाल चले जाइएगा 3 महीना, तो आपने वहां के वातावरण से, वहां के सामाजिक संपर्क से बंगला सीख लिया, तो आप इसे क्या कहिएगा, अधिगम कहिएगा क्या, विद्यालय गया क्या, माहौल, तो आपका अर्जन। कैसा लगा प्रश्न, कैसा लगा मेरा मजाक, बढ़िया बुझाया जी, अवश्य। सी नंबर भाषा का इंटरफेरेंस होना, अंतरण होना, एक जगह से स्थानांतरित करना दूसरी जगह, ये कब मिलेगा, द्वितीय भाषा में मिलेगा हमको, एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रवेश करना। जैसे जानते हो मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम अंग्रेजी वर्ड, प्रॉब्लम अंग्रेजी वर्ड, और बाकी हिंदी के वर्ड, तो आप दूसरे में अंतरित हो गए। खैर इन चीजों को बाद में समझेंगे हम, इस सब के लिए बहुभाषिकता और द्वितीय भाषा के लिए, एक ही भाषा के लिए बहुत बेहतरीन आपका नोट्स है। पूर्व भाषा के पास अपनी, देखिए पूर्व बच्चों के पास, कहते विद्यालय आने से पूर्व, किससे पूर्व, बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती। सचेत मतलब पूर्ण विकसित, पूरी तरह से किसकी जानकारी नहीं होती बताइए। सुनता बोलता तो है ही, पढ़ता लिखता तो है ही, वर्णमाला ओ ब द स अनार, आखिर ये शब्द जुड़ के बने ना वर्णमाला से, तो व्याकरण की पूरी तरह नॉलेज नहीं होती। कब, विद्यालय आने से पहले, विद्यालय नहीं गया है बच्चा, मानते हैं व्याकरण होगा, एक बालिका भारत से अमेरिका गई, हो भारत से अमेरिका, तनी हमनियों के ले ले जाही ना,
रहिएगा? नहीं सर, नहीं जाना है, मत जाइए। अपना देश सबसे बेस्ट। भाषा में पढ़ाए गए शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? उसे सभी विषय वहां की भाषा में पढ़ाया गया, सभी विषय। अब देखिए, आपने जो भी भारत में सीखा कोई फर्क नहीं, वहां का भाषा पढ़ो, वहां की भाषा में डूब जाओ, वहां की भाषा में डूब जाओ, तल्लीन होना। मतलब इसका निमजन संस्कृत वर्ड से आया हुआ है, निर्जन, तल्लीन होना, डूब जाना, सन्निहित होना, किसमें? वहां की भाषा में डूब करके हमें अधिगम की प्राप्ति करनी पड़ेगी, इसे निमजन कहते हैं। यदि नहीं समझे याद कर लीजिए, कुछ नया आपको बताना था इसीलिए इस प्रश्न को हमने दिखलाया, ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है। एकल भाषा, द्विभाषिकता, एकल भाषा होता, बहुभाषिकता, आप अर्जन या अधिगम समझ रहे होंगे। ये एकल द्विभाषा, एकल मतलब कि एक भाषा, मोनोलिंगुअल, मोनोलिंग्विज्म होना, एक ही भाषा जानना, द्विभाषिकता दो भाषा, और मोर देन टू लैंग्वेज, किताबों में आपने 5-10 भाषा से अधिक, लेकिन आप समझे दो भाषा से अधिक, मल्टी लैंग्वेज में है, पॉलीग्लॉट है, मल्टी लैंग्वेज में। चलिए, और बहुभाषिकता, बच्चे विद्यालय आने से पहले 2-3 भाषा को समझने की समझ रखते हैं। निमजन अर्थात किसी चीज को सीखने के लिए उसकी गहराई में डूब जाना। बड़े एक नंबर। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा हाँ सीख ली है। देखिए, अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से, अब कहता है फ्रेंच भाषा सीख लिया उसने, वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं बताइए? इसे क्या कहेंगे? अधिगम का अंतरण, यानी कि लैंग्वेज का ट्रांसफरेशन होना, लैंग्वेज का ट्रांसफरेशन होना, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात। ए और सी, चलिए बढ़िया। कौशल का अंतरण, कौशल का अंतरण आपका एक नंबर। देखिए, मातृभाषा बहुत अच्छे से सीख लिया, मतलब भाषा कौशल के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपली। और ये कौशल सीख लिया तब ना फ्रेंच भाषा सीख लिया है उसने, फ्रेंच भाषा सीख लिया, अब फ्रेंच भाषा भी आसानी से पढ़ लेता है। तो कौशल जो था उसमें, स्किल संथाली में, मातृभाषा में, उसको फ्रेंच भाषा में ट्रांसफर कर लिया, अंतरित कर लिया, अर्थात कौशलों का अंतरण। अधिगम क्यों नहीं होगा साहब? मातृभाषा यानी अर्जन, मातृभाषा मतलब अर्जन। अब समझे सी क्यों नहीं होगा? कौशल, और आपका एक नंबर कौशल, जो कि मातृभाषा में भी मिलेगा, अर्जन में भी और अधिगम में भी। तो आप कौशल बेस्ट शब्द का चुनाव करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट 27 नंबर। देखिए, कहते हैं कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषा, क्या कहते हैं? 2 या 3 भाषा। तो 2 या 3 भाषा जैसे ही आ गया तो डैश और बोलने की दक्षता से, क्षमता से लैस होते हैं। आप कहिएगा लिखना, लिखने के लिए नियम जानना जरूरी है दोस्त, तो लिखना गलत हो जाएगा, है ना? लिखना नहीं होना चाहिए। पढ़ना, सब भाषा को पढ़ लेता यार, समझ विकसित, समझना, बताइए क्या 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 समझना? बी नंबर, नहीं नहीं बी नंबर, इसके साथ कोई लड़ना चाहेंगे नहीं। यस, आगे बढ़ो। कहते विद्यालय में से पूर्व बच्चों के पास, बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, ये समझ है, समझ बिल्कुल नहीं होती है, होती है ना, तो बिल्कुल नहीं होती है ये कहना गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा ना,
जल्दी डिसीजन लीजिए ना, टाइम भी तो भागेगा ना आपका वहाँ एग्जाम में। व्याकरण की पूर्ण समझ यानी पीएसजी होल्डर होता है, मुस्टरवा की जरूरत नहीं है, विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, पूर्ण समझ होती है। व्याकरण की सचेत समझ, सचेत समझ का मतलब पूरी तरह से जानकार होना। मैं सचेत हूँ, प्रत्येक मानव को सचेत और संयम रहना चाहिए। बताइए डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा ना, डी नंबर सचेत समझ होती है, सचेत समझ नहीं है। नहीं होती है सचेत समझ। और आगे लाइन को और जोड़िए मन मन कि अधूरी समझ होती है, सचेत समझ नहीं होती है। कैसा लगा प्रश्न वाला मजा? हाँ, ये तो सेटिंग किए थे। सेटिंग प्रश्न का सेटिंग नंबर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सही है। सही बात है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक उपकरणों से वाइगोत्स्की कहते हैं। भाषा अर्जित करना सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। मैडम जी बताइए सही की गलत? सही है। सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। संचार माध्यम वही यूट्यूब, वही मोबाइल, टीवी, रेडियो संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, विद्यालय से बाहर नहीं। विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, विद्यालय से बाहर नहीं। गलत गलत यही बताइए, गलत कौन? डी नंबर। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित, भाषा में सीखने, सीखने का मतलब अधिगम बताया था हमने। भाषा में सीखने और अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण, मेन कारण क्या है? क्या पाठ्य पुस्तक के, क्या भाषा में आकलन? सुनिएगा, आकलन टेस्ट लिया जाता है आपका। क्या घर के माहौल में भी मम्मा पढ़ाते पढ़ाते रोटी बेलते बेलते बोल बेटा ओ से आना, दुटका में नहीं मिलता है घर जाना, मैंने आकलन विद्यालय में चलती है। अधिगम की बातें, पाठ्य पुस्तक के अधिगम की बातें, भाषाई व्याकरण अधिगम की बातें, परिवेश घर का परिवेश, अर्जन की बातें, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल मतलब क्या? परिवेश। और यही हो जाएगा सर प्रमुख कारण अंतर का। आपने देखा आपको बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं दोनों में अंतर का, तो आपको क्या करना है? तीन विकल्प आपको मिल जाएंगे, इक्के वाला और एगो ये वाला अलग वाला, अलग वाला उसी को आप अंतर का कारण मान लें। और आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें आते हैं, भाषा परिवेश परिस्थिति माहौल मेन अंतर का कारण होता है। किस चीज के लिए साहब? भाषा अर्जन और अधिगम में। चलिए, कैसी लगी कक्षा? कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? जय हिंद भागलपुर, आप सभी मित्रगणों का सच्चा साथी। लव यू ऑल। जय हिंद।